हेलो व्हाट्स अप पबजी आर्मी गाइस, मेरा नाम है स्पीडो एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम आए पोचिंग की में, और पोचिंग की में मेरे साथ चार स्क्वाड उतरती हैं जिनको की मैं मारने के लिए यहाँ पे लूटिंग कर रहा था। तो यहाँ पर मेरे को पीप बाइजन और UMP-45 मिल जाती है, और साथ ही साथ एक बोट आ जाता है, और यहाँ पर मेरे किल की लिस्ट खुल जाती है बोट के किल के साथ। तो मैं जैसे ही ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक थॉमसन गन दिख जाती है, जिसको कि मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ, साथ में साथ उसके बहुत सारे एमओ भी उठा लेता हूँ। और अब मैं आता हूँ इस ब्रोकन वॉल के पास, तो तभी मेरे को फुटस्टेप आते हैं और सामने एक बोट दिखता है, जिसको कि मैं नॉक करने के साथ फिनिश कर देता हूँ। और अब मैं आता हूँ उस वाले घर में, क्योंकि यहाँ पर फुटस्टेप आ रहे थे और इस बंदे को ज़्यादा ही जिगल कर दिया था मारने के लिए, तो यहाँ पर इसको भी मार देता हूँ। तभी एक और फुटस्टेप आते हैं मेरे को बंदे के, और यहाँ पर मैं बैठ के गन को रिलोड कर लेता हूँ, क्योंकि रिलोड नहीं थी। तो यहाँ पर तभी भाग के आता है बंदा, जिसको कि मैं यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि इसका टीममेट भी आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पर मैं इससे M762 बैरल ले लेता हूँ। और अब मेरे को इस वाले घर से फुटस्टेप आ रहे थे, और ये बंदा बिल्कुल सीढ़ियों के आगे कैंप कर रहा था, जिसको कि मैं आके प्री फायर में मार देता हूँ। और यहाँ पर मेरे को आगे एक बंदा दिखता है, जिसको कि मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ फटाफट से बैरल की स्प्रे से। जब मैं यहाँ इस वाले घर में आता हूँ उस बंदे को लूटने, तभी मेरे को फुटस्टेप आते हैं किसी बंदे के, और मैं देख रहा था कि शैक में तो नहीं है, लेकिन शैक में नहीं था। और तभी मेरे को एक बंदा नॉक होता हुआ जाता दिख रहा था, जिसको कि मैं फिनिश कर देता हूँ। और उस बंदे को नॉक कर रहा था ये बंदा जो भाग के आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा डैमेज देता हूँ, लेकिन तभी इसका टीममेट मेरे को 1 HP कर देता है। और यहाँ पर मैं इस बंदे को नॉक कर देता हूँ 1 HP। अगर आपको ये 1 HP नॉक पसंद आए ना, तो फटाफट से यार वीडियो को जाकर लाइक कर दो, और कर क्या रहे हो भाई, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यहाँ पे ये बंदा ऊपर भाग के जा रहा था इसका टीममेट, तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। और तभी आगे एक बोट आ जाता है, जिसको कि मैं बैरल की स्प्रे से फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पर इसने डैमेज करा था, तो मैं यहाँ पे हील लगा लेता हूँ, और थोड़ी सी सामान पड़ा था उसको उठा के आ जाता हूँ इन वाले घरों पर। और जब मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे को फुटस्टेप आते हैं, और मैं आ जाता हूँ इस वाले घर में। और यहाँ पर ये बंदा बहुत तगड़ा ही गेम कर रहा था भाई, बिल्कुल सीढ़ियों के ऊपर एम लेके बैठा था, कि जैसे ही बंदा आएगा वैसे ही पड़ेगा उसके हेडशॉट्स, और ये बंदा मार देता मेरे को यहाँ पे अगर मैं सीढ़ियों से आता तो भाई हेडशॉट ही हेडशॉट मारता। तो तभी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के आता हूँ और इस बंदे को मारता हूँ, इसकी लूट ले लेता हूँ यहाँ पे। और अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो चाहिए, तो फटाफट से यार वीडियो को जाके लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो चाहिए। और उस बंदे को लूट के आ जाता हूँ फटाफट से मैं गैराज में, और गैराज में से गाड़ी उठा लेता हूँ। किस्मत अच्छे से कि यहाँ पे गाड़ी मिल गई, नहीं तो बंदे पहले ही ले जाते हैं जॉर्जो पुल वगैरह चले जाते हैं, तो यहाँ पर मेरी किस्मत अच्छी थी। तो तभी मैं आता हूँ जॉर्जो पुल के स्क्वाड हाउस पे, और यहाँ पर मेरे को आते ही फुटस्टेप आते हैं बंदे के, और सामने गिली वाला बंदा खड़ा हुआ था, जिसको कि मैं M4 की स्प्रे से ही मार देता हूँ। और यहाँ पर ये बंदा नॉक हो जाता है। यहाँ पर मेरी हेल्थ कम थी, इसलिए मैं पेन किलर खा रहा था और एनर्जी ड्रिंक पी रहा था, लेकिन तभी मैं बंदा देखता हूँ तो वो नहीं था। जितने में मैं पेन किलर एनर्जी ड्रिंक पीता हूँ, इतने में ये बंदा ऊपर चला जाता है, और भाई दिखता है कि ये बंदा अंदर चला गया भाई, इतनी जल्दी मैं भी नहीं जा पाता भाई। तभी यहाँ पर मैं TV भी लेके देख रहा था, तो इतने में बिल्कुल ऊपर हो जाता है। और यहाँ पर मैं लगा रहा था टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये बंदा मेरे को दिख जाता है यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो चाहिए, तो फटाफट से यार कमेंट करो और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं होते चैनल सब्सक्राइब कर दो और ऑल पे सेट कर दो। यहाँ पर मेरे को लगता है कि बंदा मर जाएगा, लेकिन नहीं मरता, और मैं गन पीछे करके जा रहा था।
और मेरे को इसकी लोकेशन पता थी तो मैं प्री फायर देता हूँ फटाफट से और इस बंदे को भी मार देता हूँ यहाँ पे मैं। और यहाँ पर मैंने लूट लेता हूँ और बंदूक को देख रहा था स्कोप खोल के लेकिन मेरे को कोई दिखता नहीं है। तभी मेरे को फुटस्टेप आते हैं बस के पीछे से, लेकिन मैं वहाँ पे नेट डालता हूँ तो कोई बंदा मरता नहीं है। लेकिन तभी मेरे को फिर से फुटस्टेप आते हैं भागने के, तो ये बंदा भाग के आ रहा था यहाँ पे रश करने के लिए। इसको मैं M4 के स्प्रे से नॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं गेट खोल के देख रहा था बंदे को कि कहाँ गया, और ये बंदा अंदर आ जाता है और मैं यहाँ पे ऑल पे माइक करके पूछ लेता हूँ, इससे कुछ बात बात करता हूँ। तो ये बंदा कहता है मेरे टीममेट भाई बहुत दूर है, मेरे को मार दो, कोई बात नहीं। मैं गाड़ी लेके जा ही रहा था लेकिन तभी मैं सोचता हूँ कि इससे थोड़ी बात करता हूँ कि इसके टीममेट को ले आऊँ, लेकिन ये कुछ नहीं बोलता। तो मैं इस बंदे को कहता हूँ भाई तू चला जा चला जा, लेकिन ये बंदा नहीं जाता और यहाँ पर इसने लूट भी गिरा दी थी अपनी। तो यहाँ पर इस बंदे को फिनिश ही कर देता हूँ और इसकी थोड़ी लूट ले लेता हूँ, जो भी इसने सामान वामान गिराया था, एमओ थी इस पे, जिसको कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और 3x वगैरह था जो कि मैं फेंक देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ तो इसके पास कुछ नहीं था, तो मैं गाड़ी उठा के चल देता हूँ सीधा बंदों को ढूंढने। और मैं पीछे देख रहा था कि बस के पीछे और कोई तो नहीं, लेकिन नहीं था, तो मैं चले जाता हूँ आगे बंदों को ढूंढने। तो मैं यहाँ पे बंदों को ढूंढने जा ही रहा था लेकिन तभी मेरे को बीच में एक ड्रॉप मिल जाता है, जिसमें से कि मैं यहाँ पे Level 3 की वेस्ट उठा लेता हूँ। और ग्रोजो मेरे को आज चलानी नहीं थी इसलिए मैं उसको उसी में ही छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे मैं बंदों की तलाश कर रहा था लेकिन मेरे को कोई नहीं मिलता और जोन भी बहुत छोटा हो गया था यहाँ पे। और यहाँ पे मैं रूइंस की सबसे ऊँची वाली रिच भी आ जाता हूँ बंदों को ढूंढ ले, लेकिन यहाँ पे भी मेरे को कोई मिलता नहीं है। तो यहाँ पर मैं गाड़ी को खड़ी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ी अपनी एमओ सेट कर लेता हूँ। कोई बंदा रश करता नहीं है और मैं भी बंदों को ढूंढ रहा था यहाँ से स्कोप खोल के देख रहा था, लेकिन मेरे को भी कोई नहीं दिखता। तो मैं गाड़ी उठा के बंदों को ढूंढने निकल जाता हूँ। यहाँ पर मैं गाड़ी घुमा ही रहा था लेकिन तभी आगे एक गाड़ी दिख जाती है मेरे को, जिसमें से कि बंदा उतरता है और पेड़ के कवर में जा ही रहा था, लेकिन मैं उस बंदे को नॉक कर देता हूँ यहाँ पे। और मैं गाड़ी लेके उस पर रश कर देता हूँ कि अगर उसका टीममेट हो तो मैं उसको भी फिनिश कर दूँ गाड़ी से कुचल के, लेकिन यहाँ पे मेरे को उसका टीममेट दिखता नहीं है, तो इस बंदे को मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ और बिल्कुल लेट के यहाँ पे मैं लूट लेता हूँ इसको, क्योंकि लास्ट जोन में भाई सांप डस लेते हैं भाई बहुत बुरी तरह से। तो यहाँ पर मैं इधर उधर घूम के थोड़ा इसके टीममेट देख रहा था लेकिन मेरे को दिखता नहीं है, तो मैं गाड़ी लेके चल देता हूँ बंदों को आगे ढूंढने। लेकिन तभी मेरे को पीछे से बंदा इसका टीममेट फायरिंग देता है मेरी गाड़ी पे, तो यहाँ पर मैं इसको गाड़ी से कुचल के ही मार देता हूँ। गन निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई, गन निकालने की जरूरत ही नहीं है। और तभी मेरे को यहाँ पे एक डासिया दिखती है और तीन बंदों के फुटस्टेप आते हैं भाई, और मैं गाड़ी यहाँ लगा के रोक देता हूँ।
और पीछे से बंदा भाई M249 का एक हेड पेल देता है। ओ भाई मेरा दिल धड़क गया था यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी हीलिंग कर रहा था क्योंकि वो बंदे रश कर सकते थे मेरे ऊपर किसी भी वक्त। तो यहाँ पर मैं देख रहा था बंदों को, लेकिन तभी वो बंदे मेरे बहुत क्लोज आ जाते हैं। और मैं ऊपर इसके बंदे देख ही रहा था, लेकिन तभी नीचे से एक बंदा अंदर आ जाता है जिसको कि मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। और ऊपर देख रहा था कि इसका कोई टीम में टैंगल बना के मेरे को मार ना दे, लेकिन कोई दिखा नहीं मेरे को। तो यहाँ पर मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। और तभी मेरे पीछे वो बंदा आ जाता है जिसको कि मैं फ्री फायर देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बंदे को कुछ गोली वोली लगती नहीं है। तो वो बंदा इधर से पूरा घूम के आ जाता है आगे। और यहाँ पर वो बंदा मेरे पे रश कर देता है और ये अपने नेट से डैमेज खा लेता है और मैं इसको नॉक कर देता हूँ और साथ ही साथ पूरा फिनिश भी कर देता हूँ। और अब बच चुका था लास्ट बंदा जिसको कि मेरे को मारना था। और मैं यहाँ पे बैंडेज वगैरह लगा रहा था क्योंकि इस बंदे के नेट से मेरे को डैमेज हुआ था। अब जोन बिल्कुल खत्म हो चुका था और मेरे को लग रहा था कि पीछे की साइड तो जोन है नहीं, तो इसी कमरे में बंदा होएगा। तो मैं चढ़ के देखता हूँ तो बंदा बिल्कुल सामने ही बैठा हुआ था। और मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि मोल डालता हूँ, लेकिन वो बंदा भी मेरे को देख लेता है। वो अचानक बाहर आता है, दिल धड़का देता है। और भाई वो बार बार बाहर आके दिल धड़काता है मेरा। तो यहाँ पर मैं नीचे ही कूद जाता हूँ क्योंकि मेरे को मार सकता था बंदा। और यहाँ पर मैं एक मोली खींचता हूँ जिसको कि मैं ऊपर फेंक देता हूँ और इस बंदे को यहाँ पर डैमेज हो जाता है मोली से, इसलिए ये बंदा नीचे कूद जाता है डायरेक्ट। और जिसको कि मैं यहाँ पर मार देता हूँ M4 की स्प्रे से। अगर आपको ये चिकन है ना भाई पसंद आया ना, तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक करो। क्या कर रहे हो यार, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट करो। तो चलो भाई आज के गेम प्ले में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट भाई, आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भाई। भाई मेरी वीडियो को फटाफट से जाके लाइक करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो जिसने भी नहीं करा अभी तक जाके। तो आज की गेम प्ले में बस इतना। गुड बाय।